पेरिस ओलंपिक्स में भारत को मिला एक और मेडल। 57 किलो वर्ग कुश्ती में अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। अमन सहरावत ने प्यूटो रियो के डेरियन क्रूज को 13-5 से मात दी। लगातार 5 ओलंपिक्स कुश्ती में भारत को मेडल मिला। कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर प्रधानमंत्री मोदी ने अमन सहरावत को बधाई दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, आपकी उपलब्धि खास है। ओलंपिक्स में मेडल जीतने पर अमन सहरावत के घर में समेत पूरे देश में है खुशी का माहौल। लोगों ने मिठाई बांट कर दी है बधाई। पेरिस ओलंपिक्स के 15वें दिन महिला पहलवान रितिका हुड्डा से बेहतर प्रदर्शन की है उम्मीद। 76 किलो वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में आज हंगरी की पहलवान से भिड़ेंगी। पेरिस ओलंपिक्स में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ भारत ने अब तक 6 मेडल जीते हैं। अब से कुछ ही देर में आ सकता है विनेश फोगाट पर फैसला कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट में। सुनवाई हुई पूरी, विनेश फोगाट ने की है सिल्वर मेडल की मांग। पेरिस ओलंपिक्स पदक विजेता हॉकी टीम की आज वतन वापसी, दिल्ली में भव्य तैयारियां स्वागत के लिए। आज केरल के वायनाड में भूस्खलन प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वायनाड आपदा में अब तक 400 से ज्यादा लोगों की गई जान। वायनाड में केंद्र सरकार की टीम ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया है। मौके पर अभी भी सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बिहार के मुंगेर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट है। खतरे के निशान के करीब पहुंचा है जलस्तर। निचले इलाकों में जल भरा। राजस्थान के जोधपुर में भारी बारिश की वजह से लूड़ी नदी का जलस्तर बढ़ा है। तेज बहाव से कटी सड़क, कई गांव का संपर्क टूटा। उत्तराखंड के टनकपुर में उफनते नाले को पार करने की कोशिश में बहा एक लोडर, रेस्क्यू कर गाड़ी में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश है। बिहार के मुजफ्फरपुर में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। निचले इलाके औरई और कटरा में घरों तक पहुंचा है बाढ़ का पानी। यूपी के गाजीपुर में नदी में तेज कटान की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गंगा में समाया है एक मकान। यूपी के बलिया में नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी पहुंच चुका है। घर छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर हो चुके हैं लोग। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में उफान पर बह रहे नाले में बही गाड़ी, ड्राइवर ने कूद कर बचाई है अपनी जान। दिल्ली में कुछ घंटों की बारिश से इलाकों में जलभराव से बढ़ी है लोगों की मुश्किलें। पटपरगंज में बीजेपी पार्षद ने चलाई है नाव। गुजरात के वलसाड में गड्ढों ने ली है एक लड़की की जान। गड्ढों से बचने के चलते ट्रक की चपेट में आने से स्कूटर सवार लड़की की मौत हो गई। पड़ोसी देश बांग्लादेश के हालात पर भारत सरकार का बड़ा कदम। सभी पहलुओं पर नजर रखने के लिए सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अयोध्या में वीएचपी का उग्र प्रदर्शन। सरकार से बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की गई। पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी के बाद अब कूचबिहार में भारत और बांग्लादेश सीमा पर जमा हुआ है बांग्लादेशी। बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश को किया है नाकाम। गुजरात के अहमदाबाद में स्थानीय लोगों ने एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा। पूछताछ में शख्स ने बांग्लादेशी होने की बात को कबूला है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल से रिहा। शराब घोटाला मामले में 17 महीने से जेल में बंद थे। जेल से बाहर आने के बाद मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा संविधान की ताकत से मुझे बेल मिली है। उपचुनाव के मद्देनजर आज अयोध्या के मिल्कीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा। शाम 4 बजे रैली को संबोधित करेंगे योगी। करम डांडा गांव में राम दरबार का भी करेंगे अनावरण। जम्मू कश्मीर में जल्द हो सकते हैं विधानसभा के चुनाव। चुनाव आयोग की टीम ने राजनीतिक पार्टियों के साथ की बैठक। 20 अगस्त को इलेक्टोरल रोल का पब्लिकेशन होगा। महाराष्ट्र के बीच में एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के काफिले पर टमाटर और सुपारी से हमला। शिवसेना उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे का काफिला रोका। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता गिरीश महाजन का शरद पवार पर बड़ा आरोप। का शरद पवार के इशारे पर मुझे गिरफ्तार करने की साजिश को रचा गया। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देवेंद्र फडणवीस का कांग्रेस सरकार पर हमला। कहा महाराष्ट्र में भी कांग्रेस ने वक्फ की जमीनों पर बहुत घोटाला किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के लिए जेपीसी के सदस्यों का ऐलान। कमेटी में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सांसद होंगे। अगले सत्र के पहले हफ्ते के अंतिम दिन रिपोर्ट सौंपेगी जेपीसी। एससी एसटी के आरक्षण में क्रीम लेयर के खिलाफ सरकार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी, कहा एससी एसटी के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। मोदी कैबिनेट ने 8 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट्स को दी है मंजूरी। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाके को विकास का बड़ा माध्यम मिलेगा। विदेश मंत्री अजय शंकर का मालदीव दौरा। मालदीव में हाई इंपैक्ट कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। दोनों देशों के बीच कई एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। यूपी के अलीगढ़ में वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा। वक्फ बोर्ड ने सीएम से की अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाने की बात। आतंकी संगठन बब्बर खालसा की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। भारत में हिंदू नेताओं को निशाना बना सकते हैं आतंकी। भारतीय जांच एजेंसियों के साथ बड़ी कामयाबी। बब्बर खालसा के आतंकी तरसीम संधु को यूएई से लाया गया भारत। मोहाली आरपीजी अटैक हमले का मास्टरमाइंड है आतंकी संधु। बिहार के गोपालगंज से रेडियो एक्टिव पदार्थ कैलिफोर्नियम बरामद। 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 50 ग्राम कैलिफोर्नियम की कीमत 850 करोड़ के करीब है।
तिहाड़ में गाने पर पिस्तौल लहराने वाले जेलर को किया गया सस्पेंड। पिस्तौल लहराते जेलर दीपक शर्मा का वीडियो वायरल हुआ था। कोलकाता में एक अस्पताल में महिला डॉक्टर का शव रहस्यमय परिस्थितियों में मिला और इससे हड़कंप मच गया। जांच में पुलिस जुटी हुई है। बिहार के मंगेर में आपसी विवाद में चाची ने भतीजे पर किया ब्लेड से हमला। पुलिस ने आरोपी चाची को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के बरेली में 10 महिलाओं की हत्या के मामले में पुलिस ने एक सीरियल किलर को गिरफ्तार किया। आरोपी ने महिलाओं की हत्या की बात को कबूला है। राजस्थान के जोधपुर में सूखा गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। अलग अलग थानों में आरोपियों के खिलाफ 100 से ज्यादा मुकदमे हैं। यूपी के नोएडा में अमेरिका के लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस ने 3 महिला समेत 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के बांदा में एमबीबीएस के छात्र की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने हाथ लगे छात्र के कई वीडियो। आत्महत्या के पहले छात्र ने वीडियो बनाकर महिला मित्र पर लगाए थे गंभीर आरोप। यूपी के हरदोई में पुलिस ने एक शूटर को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। वकील हत्याकांड में आरोपी पकड़ा गया शूटर। बिहार के सीतामढ़ी में बैंक खातों से पैसे ठगने वाले 2 साइबर ठग गिरफ्तार। मौके से 6 मोबाइल और सिम कार्ड बरामद। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक कबाड़ी की दुकान से मिले कई बमों के खोल। पुलिस ने जांच के लिए सेना की मदद ली है। जम्मू बस स्टैंड से 33 करोड़ कीमत के हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। तस्करों से पुलिस की पूछताछ चल जारी। हरिद्वार में बदमाशों ने दुकान में घुसकर की लाखों की लूट। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। हथियारों के दम पर लूट करते दिखे बदमाश।